नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त मैं हूं सिलवासा के सिविल अस्पताल में, जहां पर मसाट विस्तार से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर 3 लोगों के गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण जलने की जो खबर है, वो खबर कहीं ना कहीं प्रदेश में सनसनी मचा दी है। इसी खबर में तमाम जानकारी के लिए हम इस वक्त सिलवासा के विनोबा भावे सिविल अस्पताल के बाहर इमरजेंसी गेट के पास खड़े हैं, जहां पर से अभी अभी आपने देखा कि 3-3 एम्बुलेंस में तीनों जो इंजरी हुए हैं, जिन्हों जो तीनों घायल हैं, वो तीनों घायल को यहां से रेफर कर दिया गया, यहां से मुंबई रेफर किया गया है एम्बुलेंस के जरिए। इन तीनों घायलों को मुंबई रेफर किया गया। और इस वक्त जो घटना बनी है, घटना कहीं ना कहीं उन तमाम घरेलू लोगों के लिए भी है कि जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हो, तो गैस सिलेंडर यूज़ करने से पहले उसका लीकेज शॉप जो होता है, उसका कम से कम जानकारी रखे, उसकी भान रखे। तो इस वक्त जो घटना बनी है, घटने में 3 लोग बुरी तरह से घायल है। बताया जा रहा है कि लगभग 75 से लेकर 80% तक जो इंजरी हुई है, उसमें घायल है। यहाँ से विनोबा सिविल अस्पताल से उस तीनों घायलों को यहाँ से मुंबई रेफर कर दिया गया है। तो जिस प्रकार ये घटना बनी है, कहीं ना कहीं घरेलू जो महिलाएं हैं, जो खाना वाना बनाते हैं, जो घर में रहते हैं, तमाम बच्चे, बहुत सारे लोग रहते हैं घर में, तो इस तरह से अगर गैस का लीकेज होता है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से यह घटना बनी है, कहीं ना कहीं इस घटना से लोगों को सोचने और समझने की भी एक बात आती है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी तमाम जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है, वो तमाम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि यह मसाट विस्तार की घटना है, और जिसमें पुलिस विभाग इसमें पूरी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से यह घटना बना है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसमें तीनों ही घायलों का जो शरीर है, वो शरीर कम से कम 70-80% तक जल चुका है। बने रहिए हमारे साथ कामया न्यूज़ नेटवर्क में, और देखते रहिए तमाम खबरों को।